पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित यतंती, ये ब्रह्म तत्व विदु अखिल अध्यात्म कृष्णम, सभी कर्मों को और सभी अध्यात्म को जो जानता है और तत् ब्रह्म को जो जान चुका है, वो जरा मरण मोक्षाय यतंती, वे जरा और मरण से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं। मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, तत्वदर्शी संत फिर बताएगा ये ज्ञान जो दास आपको बता रहा है। उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा को जान करके फिर तो केवल जरा और मरण से छुटकारे का प्रयत्न ही करेंगे। अब यहां जरा माने बुढ़ापा। आज जो युवा हैं और जो आज वृद्ध हैं, अब उन युवाओं को ये ध्यान नहीं कि ये जो आज वृद्ध हैं ये भी कभी युवा थे और आज इनसे उठकर बैठा नहीं जाता। कभी कोई पीड़ा, कभी कोई आंखों में कष्ट, कभी दांतों में दुख, कभी सिर में दर्द, कभी पिंडी बढ़कर, कभी कमर दर्द, कभी बाई होगी, कभी कफ हो गया, कभी पित्त बढ़गी, सौ सौ समस्याएं होती हैं। तो यहां परमात्मा बताते हैं कि सबसे बड़ा कहर इस प्राणी पर वृद्ध अवस्था होता है और दूसरा कहर मृत्यु, और दोनों ही किसी को गंवारा नहीं, कोई नहीं चाहता दोनों को, और दोनों कंपलसरी। मृत्यु तो कंपलसरी है ही, बुढ़ापा ना आवे पहले मर जाए तो और घना दुख, छोटे छोटे बालक रह जाए। तो यहां कहर ही कहर है। तो यहां उस सतलोक में जाने के बाद ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है, दोनों कहर टल गए, ना ही कोई कष्ट है ना कोई काम है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं काम करूं, यदि बिना किए काम उसको कुछ मिल जावे तो क्या जरूरत है उसने हाथ पैर मारने की। अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं और बच्चे भी इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं, पढ़ करके हम अफसर लग जाएंगे या अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे, हमने ये कठिन काम ना करना पड़े, सभी ये चाहते हैं। पानी भी ना पीना पड़े, पहने वाले नौकर हो। तो कहने का भाव ये है कि ये व्यवस्था नकली है और असली व्यवस्था सतलोक में है। कोई काम नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, सदा बाहर वहां पेड़ वृक्ष काजू किस्म सेब संतरे फल सदा बाहर वहां पर बाग बने हुए हैं, वहां का जल और दूध कभी समाप्त नहीं होता, खराब नहीं होता, समुद्र के समुद्र भरे हैं, जैसे गंगा का जल जो है सतलोक से आया हुआ है। ये एक एग्जांपल है कि ये कभी खराब नहीं होता, आप कितने वर्ष रख लो। और हम इस परमात्मा की वाणी, कबीर वाणी, और जिस कबीर साहब ने जो वाणी गरीबदास साहिब जी को दिया,
वो ज्ञान उस अमरवाणी का हम पाठ करते हैं और वहां यहाँ सिंपल जल रखते हैं, साधारण यहाँ का हम जो डेली पीते हैं उस जल को रख देते हैं। परमात्मा की इस वाणी के मंत्र चलते हैं, सत्संग के वचन होते हैं, उसके ऊपर सब मंत्रित होता है। वो उस जल को आप रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए गंगा का जल, एक तरफ ये अमृत जल रख दिए। उस परमात्मा की वाणी से सिंपल जल भी वैसा ही बन जाता है। हमारे पास अब भी एक माई ने ला कर दिया, जब हम घर घर पाठ किया करते थे जाकर के, इतनी बड़ी बोतल है 2 लीटर की हमारे पास रखी है। अभी सन 1997 में उसका पाठ किया था, 1997, 14 वर्ष हो गए और आज तक वो ज्यों का त्यों है। तो सतलोक में उस परमात्मा की स्थिति है, उपस्थिति है, जिसकी यहां भी वाणी से इसे गंदे लोक में भी अमृत बन जाता है सिंपल जल, वही ये जल अमृत गंगा वाला जल वहां से आया हुआ है। तो प्रश्न चल रहा है कि हम ये दयालु परमात्मा नहीं है, दयालु परमात्मा सतलोक वाला है, वहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। परमात्मा आकर कहते हैं, ए मन तू यहाँ क्यों उलझ रहा है काल के लोक में। मन के माध्यम से आत्मा को सचेत करते हैं प्रभु कि सुख सागर में चल। जैसे गीता जी धर्म 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर वापिस संसार में नहीं आते, यानी वहां स्थाई सुख है, परम शांति है, स्थाई सुख है, वहां दुख नहीं है। अपने विषय में कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अर्थात यहां शांति नाम की चीज नहीं, युद्ध भी करना ही पड़ेगा, लठ बजाना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा। उसकी शरण में जाना है तो दूरदर्शी संत की खोज कर ले, वो जो साधना बताओ वैसे कर ले, फिर उसकी शरण में चला जाएगा। उसकी शरण में जाने के बाद फिर तू कभी लौटकर संसार में नहीं आओगा और सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा, सुख सागर को प्राप्त होगा। वो सुख सागर कैसा है कि शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई। सतलोक में कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हों, अकेले हों और एकदम एक हिलोर उठती है अंदर से, दास के बसात तो बहुत बार होता है ऐसा, उसमें ऐसा लगता है कोई भी चाहे हमें कोई कितना ही कष्ट दे रहा हो, कितना ही हमारे साथ अत्याचार कर रखा हो, उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं रहती। एक ऐसी हिलोर उठती है, ऐसी लहर उठती है अंदर से, वह थोड़ी सी देर रहती है, उसके बाद फिर 100 कोशिश करते हैं कि उसी व्यक्ति के प्रति फिर कभी मन में दुख ना हो। उसने हमें बहुत सता रखा है, बहुत कष्ट दिया, दुख नहीं आता उसका, लेकिन फिर वह बात नहीं बनती। तो कहने का भाव है कि ऐसी वो मेहर की लहर थी और उसके जाते ही यहां सारे कहर की लहर शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, फलाना ये हो गया, ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। तो सतलोक के बारे जानकारी देते हुए परमेश्वर ने कहा कि शंखों लहर मेहर की उपजे वहां कहर नहीं जाए कोई, वहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी, अचल जो सदा स्थिर, कभी नष्ट ना हो, चले नहीं, नाश ना हो, अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है, सागर माने समुद्र, समुद्र में जल ही जल, जल ही जल। 100-200 किलोमीटर आदमी चला जा किसी जहाज नौका में बैठ के तो फिर देखो वहां कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती, केवल जल ही जल, जल ही जल।
तो ऐसे ही सतलोक में केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, कुछ भी नहीं, उसको सुख सागर कहते हैं। और वहां दयालु भगवान रहता है और ये काल का लोक है। अब एक बार परमेश्वर ने धर्मदास जी उस पुण्य आत्मा को, जैसा वो परमात्मा लीला करते हैं, वेद भी जिसकी गुहाई देते हैं वो ऐसी लीला करता है, धर्मदास जी को आकर मिले थे और भी अन्य महापुरुषों को मिले हैं। परमात्मा ने परिभाषा बताई थी इस सर्वपुरुष की, इस काल की। अब धर्मदास जी कह रहा था कि ये भगवान आप इसको काल कह रहे हो, देखो यहां भगवान ने कितनी सुविधा कर रखी है कि कैसे अच्छे बाग लगे हैं जिसमें फलदार वृक्ष हैं, कितना अच्छा जमीन पृथ्वी दी है, कैसी हवा बह रही है, कभी वर्षा हो रही है, कितना अच्छा अन्न उपजता है, और किसी कैद की कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, दरिया बह रही है, नीचे जमीन में जल है, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना दयालु है परमात्मा। अब परमेश्वर ने बताया कि पुण्यात्माओं तुम जीव हो और जीव की सोच सतत जीव वाला ही होता है। अब परमेश्वर ने आके बताया कि तुम जिसको भगवान कहते हो ये भगवान नहीं है। मुल्ला माया मग में बैठी अंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई, एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। परमात्मा कहते हैं ये काल भगवान, काल भी कहता मैं भगवान हूं और कोई भगवान नहीं। पुण्यात्माओं श्री शिव पुराण में ये काल, जब ब्रह्मा विष्णु दोनों का झगड़ा हो जाता है शिव रूप धारण करके, उनके बीच में एक पहले तो लिंग खड़ा कर देता है, सतम लंबा तेजो में सतम, फिर स्वयं आता है और कहता है कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं, मेरे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है। अब पुराणों में तो वो अपने पुत्रों को, अपने जीवों को अंतर्गत कुछ भी कहता रहे, वो पुराण अलग सेपरेट शास्त्र है, तो उसने कहा कि मैं भगवान हूं। अब यहां ये कह रहा है गीता जी में, क्यों गीता जी का ज्ञान वेदों वाला, वेद का ज्ञान दिया था परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर रखा है, उसने जोंका तू बोलना पड़ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी, ये ब्रह्म भी कहता मैं भगवान हूं, ये भगवान नहीं है। भगवान की परिभाषा आज बताई जा रही है आपको, सुनिएगा। अब जैसे परमात्मा ने बताया कि धर्मदास तुम इसको भगवान समझते हो, जो ऐसी सुविधा दे रखी, ये तो काल है, ये तो कसाई है, जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों में बकरी नर और मादा दोनों छोड़ देता है, और जिसकी अच्छी सेल है प्रतिदिन की 5-4 बकरों की, तो वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चरागाह ले लेता है, बहुत बड़ा क्षेत्र 10-20-50 एकड़ जमीन खरीद लेता है, और उसमें घास फूस जंगल ये वृक्ष होते हैं, और उसके चारों तरफ वो एक बाड़ बना देता है, रोक लेता है उनको, उसमें छोड़ देता खुले, उसी में एक छोटा सा तालाब बना देता है, उसी क्षेत्र में एक गर्मी सर्दी से बचने के लिए कुछ एक झोंपड़ी नुमा लंबा शेड डाल देता है। अब वो नर और मादा बकरे और बकरी रजोगुण युक्त होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं, फिर उनमें मोह ममता भी होती है, सभी प्राणियों के अंदर ये तीनों गुणों का प्रभाव होता ही होता है। अब वो बच्चे पैदा करते हैं, सारी सुविधाएं, जल भी है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए शेड है उनके लिए, वर्षा आती है तो भी उसके नीचे भाग कर आ जाते हैं, ज्यादा गर्मी होती है तो शेड के नीचे वो बैठ जाते हैं। अब वो भोले प्राणी उस कसाई को जिसने इतनी सुविधा दे रखी है उसको अपना नेक मालिक मानता है, और ये देख सोचता है कि देख कितना अच्छा हमारा मालिक है,
हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल रखता है। जल का तालाब है, पेड़ पौधे खूब हैं जहाँ वो घास फूस अड़ंगा खाते हैं, और शेड बना रखा है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों में, वो तो आके देखता है बाजू पकड़ के, ये कितना मांस हो गया, इसमें कितने किलो का मांस हो गया, कितने का व्यक्ति का। और वो न सोचते हैं हमारा दयालु मालिक आ गया, और वो बकरे उसको प्यार देते हैं, ऐसे चाटते हैं और ऐसे अपने आगे के पैर उठा के और उनको प्यार देना चाहते हैं, इन्हें प्यार करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा आदमी है, यो इतनी सुविधा दे रखी है। और वो आता है नो देखने, यो कै किलो का हो गया, कितने का व्यक्ति का। और फिर वैसे तो वो दिखता है बड़ा दयालु, कितनी सुविधा दे रखी है। और जब उसका आ जाता है डिमांड पांच चार बकरों की इकट्ठी, तो वो ना देखता किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है। मोटे मोटे लाठी लेकर डंडा लेकर ऐसे निकाल ले जाता है और जाके कटवा के अपना उल्लू सीधा कर लेता है। कुछ खुद का खाता है और बाकियों को बेच देता है। जब वो बकरे या बकरी वो ले जाता है निकाल के, उनसे संबंधित जो बकरे हैं वो बहुत कुछ देर तो नो रो रो कर भागते हैं, नो देखते हैं कहाँ गए कैसे गए, रोते रहते हैं। वो लेके चला जाता है। अब परमात्मा ने काल की परिभाषा बताई कि यो काल है और तुम इसको दयालु मानते हो। दुर्घटना में देखो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद मर गए, पूरा परिवार का परिवार नाश हो जाता है। एक में एक दुर्घटना में चार व्यक्ति मर गए एक ही घर के। अब कहां गई वो दयालुता, कहां गई ये सुविधा, चाट ले सुविधा ने, इन पेड़ पौधे ने। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम वहां चलो सतलोक में, और वहां जाने के बाद ऐसी ही सृष्टि है। ये गुमराह करने वाला पंथ इरादा स्वामी धन धन सतगुरु ये सच्चा सौदा सरसा जगमालवाड़ी, यो गंगुआ वाला और ये ठाकुर जी महाराज, यो जय गुरुदेव, ये सारे भ्रमित हैं। ये काल का चलाया हुआ पंथ है और ये कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां भगवान नहीं है। वहां तो आत्मा ऐसे मिल जाती है परमात्मा में जैसे बूंद समुद्र में। बता इनकी अकल, हम खोद रहे भगवान को, सारे प्रमाण बताने लग रहे परमात्मा साकार है, उसका सुंदर शरीर है, एक रोम कूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका नूर है। अरे ये कह वहां कुछ भी नहीं है, तो जहां भगवान नहीं है तो हम के टिंडे लाएंगे वहां जाके, हम के करेंगे गड्ढेंगे वहां पर, इसे अनाथ यहां पर, इसे अनाथ वहां पर, कोई भी कंट्रोलर नहीं हमारा। तो जिसके लिए हम तरफ रहे हैं, जिसके दर्शनार्थ हम भगवान के दर्शन हो जाए, तो पुण्यात्मा ये वहां निराकार बताएं तो कौन जा भाई वहां पर। सपने में बिना सोचे कोई जाने की बात करी मारे मेडिटेशन वाले सुबह शाम ढाई ढाई घंटे बता, जहां भगवान नहीं और डूब का मरण वाली बात है तो क्यों बैठे हो ढाई घंटे में भी, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो अपना। ऐसी गंदी जगह जाना चाहते हो जहां आदमी जानते डूब मरे। अब समुद्र में कोई कह चलो तुम समुद्र में डूब कर मरो, मिल जाओ उस बूंद में, चलियो कोई सा बकवाद करने लग रहे, कोई ज्ञान नहीं, कोई सोच नहीं, अपनी अकल प्रयोग नहीं करते। तो वहां ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन इस मटेरियल का अंतर है, ये तो मिट्टी का बना हुआ है और पांच तत्वों में लीन हो जाएगा। जब ये अंत होगा, इसको फूंक दिया जाओ चाहे गाड़ दिया जाओ, एक दिन ये खत्म हो, पांचों तत्वों में लीन हो जाएगा। अब ये पांच तत्वों से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और कोई सा दिखा है इसमें कितना सुंदर स्वरूप बन गया। ऐसे ही वहां एक एक तत्व से बना हुआ शरीर है नूर से, और वो इतना सुंदर शरीर है, 16 सूर्य जितना प्रकाश हमारे शरीर का होगा जब हम सतलोक पहुंच जाएंगे। और परमात्मा के शरीर का जो
जीव अंदाजा के लगाऊं, इतना नूर है परमेश्वर सतपुरुष के शरीर का, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के रोशनी के आगे फीके हैं, यानी उनका इतना नूर है, वो समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, अमित ओजा है, अमित ओजा जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। और हम जीव है, आत्मा है, हम वहां हंस रूप में होंगे। हंस माने जैसे यहां मनुष्य कहते हैं, नर कहते हैं स्त्री और पुरुष को, तो वहां हंस कहते हैं। हंस माने जैसे यहां एक पक्षी का नाम हंस है जो किसी सरोवर पर होता है, वो बुगले जैसा होता है सफेद, और बुगला मच्छी खाता है, कीड़े खाता है, और वो हंस नहीं खाता। हंस में एक और गुण है गॉड गिवन, एक गिलास दूध में एक गिलास पानी जल डाल दो, हंस के सामने रख दो, हंस उसमें से दूध दूध पी लेगा, एक गिलास जल को छोड़ देगा। दूध और पानी जिसने छान लिया और बुराई जिसने छोड़ दी, वो हंस कहलाता, वो पुण्यात्मा, अर्थात सब बुराइयों से दूर नेक आत्मा को हंस आत्मा कहते। तो वहां हंस रूप में हम होंगे और परमात्मा परम हंस है। आत्मा हंस और परमात्मा परम हंस, यानी वो परम हंस है, वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा, वो श्रेष्ठ है, वो दयालु है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, उसको भगवान कहा जाता है, वो है परमात्मा। पुण्यात्मा ये अमृत ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सत्यनारायण कथा है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। हम विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते हैं, बता इनकी तो बहुत छोट बहुत कम आयु है, आपने देख ली इन परमात्मा इन भगवानों की आयु की कैलकुलेशन में भी आपने सुन लिया। और परम अक्षर परम की कोई आयु नहीं, वो तो अजर अमर है, सृष्टि से पहले भी वही थे, उसी ने सृष्टि रची है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये वहां पर कहते हैं भगवान वहां है कुछ नहीं, तो वहां जाने की इनकी रुचि कैसे बनेगी जहां भगवान नहीं। अब कोई कहे कि सतलोक आश्रम वाला चलो, और वहां गुरुजी हैं, गुरुजी नहीं है, वहां तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, ट्यूब ट्यूब जड़े हैं, अरे फिर टिंडे लेना होगे तुम क्या करोगे, ट्यूब बंद देखने, गुरुजी तो निराकार है। तो इनकी ये सोच समझ लो, इतनी एक एग्जाम्पल देता हूं, जो इन अज्ञानी संत, किसी की भी छुरी देख लो आप, किसी भी धर्म की देख लो, उनका लोकवेद दंत कथा ये बताता है कि परमात्मा निराकार है। और हमारे सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब जैसे एक समय, अब हम आते हैं परमात्मा साकार और निराकार पर, जो ये गलत छुरी बता रहे हैं परमात्मा वहां है ही नहीं, उसकी वो तो निराकार है। जैसे मुसलमान धर्म में परमात्मा को बेचून कहते हैं, वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, और ईसाई धर्म में परमात्मा को वो फॉर्मलेस कहते हैं, निराकार है। जबकि पवित्र बाइबल बता रहे, पवित्र बाइबल में वर्णन है कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। सृष्टि की उत्पत्ति नामक ग्रंथ है पवित्र बाइबल में, उसके प्रथम ही अध्याय के 26 नंबर आयत में, 26 नंबर श्लोक में लिखा है कि परमात्मा ने जब और रचनाएं कर ली, छठे दिन उसने कहा कि मनुष्य को मैं अपने ही स्वरूप में बनाऊंगा। ऐसा कहके भगवान ने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप अनुसार, अपने ही रूप जैसा बना दिया, उसकी नर और नारी करके सृष्टि रचना कर दी। फिर भगवान निराकार क्यों करो, वगैरह फॉर्मुलेस क्यों, कैसे हुआ, जब परमात्मा ने कहा है कि मैं मनुष्य को अपने जैसा बनाऊंगा, तो भगवान कैसा हुआ, मनुष्य जैसा। और उसने 6 दिन में सृष्टि रचकर सातवें दिन तख्त पर जा बैठा हो। यही पवित्र कुरान शरीफ में सूरज फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, उसमें स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता
जिसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह भगवान गॉड मानते हैं, जो श्री हजरत मोहम्मद जी को आदेश देता है किसी फरिश्ते के माध्यम से या स्वयं किसी और वह बोले हैं ऊपर तो आकाशवाणी करके, वो उनका फाइनल गॉड है। किनका? मुसलमानों का, जो हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद जी को कि हे पैगंबर, तो इन काफरों का कहा ना मानना। ये 52 नंबर आयत है सूरत फुरकानी 25 की। इन काफरों का कहा ना मानना, और मैं तुम्हें तुझे जो इस कुरान शरीफ में दलील दे रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं, इस पर विश्वास करना। और ये काफर नहीं मानते कि कबीर इज गॉड, अल्लाह कबीर है। तो उस कबीर अल्लाह है मेरी बातों में विश्वास करता हुआ इनकी बातों में मत आना, और कबीर परमात्मा है उसके लिए तू संघर्ष करना, यानी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लठ नहीं बजाना, खून खराबा नहीं करना, इनकी बात तू मत मानना। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने सभी सृष्टि रची है, पृथ्वी बनाई, इस बनीच खारा और मीठा जल दे दिया, इसी ने तुम्हें जन्म दिया, यहाँ सब संस्कार उसी से बने हैं। फिर वो परमात्मा अपने बंदों के गुनाहों से खूब खबरदार है। वो कबीर अल्लाह अपने बंदों के पापों का नाश कर देता है, उसके अपराधों दुखों से परिचित है। वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तकत पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, इससे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता अल्लाह से कोई अन्य और अल्लाह है, कबीर नामक अल्लाह है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तकत पर जा बैठा। उसकी जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी नहीं रखता, इससे सिद्ध है कि वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता। ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह की जिसने सब सारी सृष्टि की रचना की है, जो सबका मालिक है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तकत पर जा बैठा, उसकी खबर उसकी जानकारी किसी बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं जानता, इससे सिद्ध है कि वो भी अल्पज्ञ है। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, उस परमेश्वर की जानकारी, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और उस परमात्मा से भी परिचित नहीं है, परम अक्षर ब्रह्म से। तो यहां सभी लोक वेद के आधार से दंत कथाओं से कहते हैं परमात्मा निराकार है, हमारे सदग्रंथ कहते हैं, सभी धर्मों के पवित्र धर्मों के सदग्रंथ कहते हैं परमात्मा मनुष्य दृश्य है, उसका सह शरीर है, वो उसका नाम कबीर है, मनुष्य जैसा है। एक समय पुणात्मा आज सुबह आपको बताया था कि जिनको आज मानव शरीर प्राप्त है वो पुण्यात्माएं हैं, क्योंकि पुण्य जिनके घने नहीं होंगे उनको मनुष्य जीवन नहीं मिलता। उनसे भी पुण्यात्मा वो है जो परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई न कोई साधना कर रहे हैं, वो और पुण्यात्माएं हैं। वो कभी ना कभी किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति करते हुए आ रहे हैं, उनको चाह होती है भगवान की, वो रह नहीं सकते भक्ति बिना, और उनके साथ परमात्मा भी रहता है। अब जैसे कितनी पुण्यात्माएं हैं जो इस धन धन सतगुरु वाला में करोड़ों की संख्या में जा फंसे, कितनी अच्छी भगवान की चाहने वाली आत्माएं इस राधा स्वामी वाला में जा फंसे, ये कितनी पुण्यात्मा है उनको भगवान मान, उनके अच्छे संत मानकर आंखें मीच कर बैठ के, क्योंकि ये ब्लाइंड फेट ये बिलीवर है,
ये ब्लाइंड फेथ करते हैं, और भगवान के मार्ग में ब्लाइंड फेथ ही चलता है, इसमें बकवाद नहीं चलती। लेकिन ब्लाइंड फेथ भी तो वहां करे जहां बात ज्ञान समझ में आ जा। अब जैसे बबूल का पेड़ बोके बीज के, और उस पर ब्लाइंड फेथ कोई कर ले के आम लगेंगे, 7 दिन भी ना लगे, पहले तो आम का बीज सिलेक्ट करे, और आम का बीज बोके फिर ब्लाइंड फेथ करे, उसकी सेवा करे, फिर पूजा करे, तो फिर आम लगेंगे लगेंगे। ऐसे ही इन नकली गुरुओं से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। वहां ब्लाइंड फेथ कर लिया इन्होंने, क्योंकि पता नहीं श्रद्धालुओं को ये बबूल है, ये तो काल के दूत हैं। अब इस ज्ञान से उनका निर्णय होगा कि कौन अज्ञानी है और कौन ज्ञानी है, तो तत्व ज्ञान से पता लगता है। तो ये कितनी पुण्यात्मा वहां चली गई, कुछ और दूसरे इन अनसा देश वाले हम फंसे पड़े, वो बालेश्वर जी हैं, कहते हैं 100 देशों में उसका ग्रहण, 105 देशों में गए उसका प्रचार है। तो ये सारा काबली की कर बोझी उसने, सारा ज्ञान ठोक दिया, बबूल बीज दिया आम के स्थान पर, अज्ञान भर दिया सब में, कह कह पता नहीं इनको। तो ये मनुष्य जीवन के शत्रु हैं, इसने ईसा मसीह ने कहा था कि ए भोले श्रद्धालुओ, तुम जिन अपने गुरु पीरों को अच्छे आत्मा मानते हो, तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे घरों पर आते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, और वो बहुत प्यार से आपको समझाते हो, बहुत प्यार से रहते हैं, तुम इनको भेड़ समझ रहे हो, शरीफ ये भेड़िया हैं, ये तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। इस बात का विरोध कर दिया उन नकली गुरुओं ने, और उस पुण्यात्मा को क्रश करवा कर छोड़ दिया। ऐसे जालिम है ये लोग, और इसी का कारण था क्रोथाकांड इन्होंने कराया। दास ने इनके अज्ञान की खाल तार दी, इनके ज्ञान का अज्ञान का पर्दाफाश कर दिया। इन्होंने सोचा तुम तो कितने जोगे नहीं रहोगे, जनता भी थूकेगी, तुम किसे आचार्य थे, किसे तुम गुरु थे, तुमने कह कह का भी नहीं पता, वेदों का ना गीता का ना किसी और ज्ञान। तो इन्होंने अपना उस अज्ञान को बचाने के लिए इन कैसा जुल्म करवा दिया, क्रोथाकांड आश्रम छिनवा लिया, सीएम से मिलकर जनता को भ्रमित करवा दिया, गलत प्रचार करवा के, और जो ठेकेस बनवा दिए हमारे पे। लेकिन अब वो 500-600 वर्ष पुराना भारत नहीं है, शिक्षा का यही लाभ है, सब एजुकेटेड हैं, बहन भाई बेटे बुजुर्ग और सभी समझते हैं अपने सदग्रंथों को, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर आबाद हो गए, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, परमेश्वर हमारे साथ है, उस परमेश्वर का चलाया हुआ ये पंथ है, ये मार्ग है। तो ऐसे उस परमात्मा ने ये सब ज्ञान हमें बताया। तो प्रसंग चल रहा था कि ये अज्ञानी लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, हमारे सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है। तो ऐसे ही श्रद्धालु आंख मीच कर जैसा भी कोई गुरु जैसा मार्गदर्शन करता है, वो बेचारे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अध्यापक के सामने विद्यार्थी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अब अध्यापक वो होता है जो सिलेबस में पढ़ावे, सिलेबस से कोई ज्ञान दे, सिलेबस से बाहर कोई ज्ञान देता है वो दंत कथा सुना रहा है, वो नावल की कहानियां सुना रहा है, वो विद्यार्थियों के लिए घातक होती है। ऐसे जिन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान हमें नहीं दिया, वो आध्यात्मिक गुरु होते हुए भी शत्रु थे समाज के। वो आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, लेकिन उनको आध्यात्मिक गुरु मान लिया था। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन 24वें श्लोक में 16वें अध्याय की गीता जी, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।
यानी जो साधना करनी चाहिए जो ना करनी चाहिए वो सदग्रंथ में जो लिखे हैं वही हम आप मान्य होनी चाहिए, अन्य नहीं। किसी की लोक वेद की कथा से स्वीकार ना करना। तो ये जितने भी गुरु जी थे अभी तक हमें लोक वेद सुनाया करते थे, तो ऐसी जो पुण्यात्मा पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं उनको मानव शरीर मिला है और वो परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं, उनमें से एक थे शेख फरीद जी। और वो बचपन से ही परमात्मा में बहुत, वैसे बचपन से ही मालिक साथ रहता है ऐसी आत्माओं के, सबको भगवान ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं परमेश्वर गोता मारो स्वर्ग में प्रजा पैठो पाताल, कहे कभी ढूंढता थरू अपने हीरे माणिक लाल है। शेख फरीद जी थे मुसलमान धर्म में, वो पुण्यात्मा छोटे से थे, जब छोटे बालक नटखट गड़े थे, शरारत बहुत किया करते थे, माता भी दुखी हो जाती थी, गली के बच्चों के साथ झगड़ा कराते, उल्हाने आया करते थे। अब माँ ने सोचा अब क्या करूं इस बालक को, क्योंकि आजकल तो बच्चे छोटे छोटे स्कूल भेज देते हैं, माता पिता नर्सरी में दाखिल कराते हैं, वो बालक खिलाने के से उनमें छोड़ दिए। पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, घर पे रहते, पिता खेतों में कहीं और अपना काम से चले जाते कोई मजदूरी के लिए या कोई और, तो माता बच्चों की देखरेख वो स्वयं ही रखती थी। वो शरारत गणी कराया करता, वो लाने से तंग आ गई, उसने सोची कि इलाज करूं इसका। उसने कहा कि बेटा तू नमाज कराया करे, अल्लाह की बंदगी किया करे। शेख फरीद छोटा सा बालक था, कहने लगा क्यों किस लिए करूं, मुझे क्या मिलेगा। अब वो खजूर गणे खाया करता खजूर, माता ने कहा कि अल्लाह तुझे खजूर देगा बेटा। बोला सचमुच माता, कहा अल्लाह तुझे खजूर देगा। तो कहने लगा बता मुझे कैसे करना है। अब माता ने तो सोचा ठीक हो गया। अब माता ने कहा कि ले एक कपड़ा बिछा दिया, गद्दा कोई बिछौना बिछा दिया, अब बेटा इस पे लेट जा, ऐसा आंखें बंद रखना, कभी ऐसे करना कभी ऐसे करना, ये कहना अल्लाह मुझे एक खजूर दे, खुदा मुझे एक खजूर दे, ऐसे कहते रहना, आंखें नहीं खोलनी है, और जब तक मैं ना कहूं आंखें नहीं खोलना, नहीं तो खजूर नहीं मिलेगा। जब माता का काम का समय होता उसका बिछा दिया बिछौना और कहा बेटा ले प्रार्थना कर। अब वो लग गया अपना ऐसे करने, आंखें खोले नहीं। माँ ने क्या किया कि खजूर थोड़ा सा इतना सारा और दो पत्तों के बीच में लपेट कर उसके बिछौने के नीचे रखाई। अब वो माँ ने कहा कि आजा बेटा आंखें खोल दे। माँ का काम हो लिया, इतना बैठा रहा घंटा और पौन घंटा जैसा भी, तो उठ के आ गया कि माँ आप तो झूठ बोलते थे, अल्लाह ने खजूर तो दिया नहीं मेरे को। माँ ने कहा बेटा भगवान ऐसे सरेआम नहीं रखता, वो छुपा कर देते हैं, देख तेरे बिछौने के नीचे कहीं जरूर अवश्य मिलेगा। तेने वो चद्दर उठा के देखी, खजूर पाया, कूदता खरे खावे खूब कूदे, सब ने बतावे आज अल्लाह ने मेरे को खजूर दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर दिया। फिर आते इन के माँ अब कब करनी है वह नमाज, जब वो खजूर उसका खत्म हो जा एक अगले दिन फिर कर, माँ अब कब करना है वो। अब ऐसे माँ ने पा गया उसका तासीर अकियो ठीक सेट हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो खजूर रखना भूल गई और वो उठा चद्दर उठाई, वहां परमात्मा ने रजा बख्शी, वो खजूर रख दिया ऐसे ही। और वो शेख फरीद खजूर खाता हुआ आ रहा है। जब उसकी माँ ने कह दिया कि आजा बेटा उठ ले, और उसको याद नहीं रहा कि मैं आज खजूर धरना भूल गई, तो उसने बड़ी चिंता हुई कि नकम्मा फिर कभी नहीं करे जे आज खजूर ना मिल लेते, घनी चिंतित होगी वह। उसने देखा वो खजूर खाता हुआ आ रहा है। माँ ने पूछा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू। कहने लगा माँ प्रतिदिन अल्लाह दे के जाता है, मेरी चादर के नीचे मिलता है मुझे, कि सचमुच बता। हाँ देख यहाँ रखा था। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जो दिन मेरी शरण मता का हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश।
अब उस बच्चे का बचपन से इतना दृढ़ विश्वास होगा भगवान में कि परमात्मा तो ऐसे भी देता है। बड़ा होकर के वो बच्चा घर त्याग गया, घर त्याग गया तो उसने एक नकली गुरु मिल गया, उसमें सिद्धियां थी, आसपास के क्षेत्र में बड़ा बोलबाला था, वहां चला गया। वो फक्कड़ फकीर था, उसको फक्कड़ फकीर बोलते हैं जो अपने हिसाब से अलग साधनाएं करते हैं। एक तो जैसे हिंदू समाज में जो व्यवस्था है भाई, गीता का पाठ कर ले, पुराणा का पाठ कर ले, व्रत रख लिए, मंदिर में माथा टेक लिया, तो ये साधना। एक दो संत हैं घर छोड़ जाते हैं, धूना ला कर बैठ जाते हैं, जंगलों बैठ जाते हैं, वो अलग होते हैं, वो भी साधना ही कर रहे माने जाते हैं। ऐसा वो एक संत था, वहां चले गए। जैसा भी उस संत ने उस प्यारी आत्मा को मार्गदर्शन किया, वो दृढ़ होकर लग गया, आश्रम में रहने लगे। 8-7 भगत रहते थे। अब जो व्यक्ति घर से निकलकर आया है, घर भी त्याग दिया परमात्मा की तरफ में, फिर उसके पास शेष के रह गया गुरु जी को परमात्मा तुल मान के उसके एक एक वचन का पालन करे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे, गुरुदेव की क्रिया न नहीं देखे। और हम तत्व ज्ञान से परिचित ना होने से हम गुरु को अपने जैसा ही मान लेते हैं, अपने जैसा नहीं होता। आप जैसा होता तो आप ही सांग जोड़ लेते कि तो जा करके। गुरु के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होता है, लेकिन कौन से प्रभु का वो जो नुमाइंदा है, जो नर जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सूही मछली चढ़ जाए ये वह जाते गजराज। यानी जिस भी इष्ट की जो साधना करता है वो और सत्य जल से करता है, उसके ऊपर उसकी रजा होती है न्यारी। तो ऐसे ही शेख फरीद ने तो परमात्मा पाने के लिए समर्पण किया, गुरु जी जो आदेश दे श्रोधारिये, मन में दोष कपट कति नहीं आवे। गुरु जी हुक्का पिया करते थे और शेख फरीद ने कभी छुआ नहीं। वो गुरु जी खुद पीते थे लेकिन दूसरों को हुक्के के लिए नहीं कहते थे, उनके गुरु जी जो थे। अब क्या था, वहां पर शेख फरीद अपने गुरु जी का कृपा पात्र हो गया, क्योंकि जैसे भी वो कहें उसमें कोई काम वो त्रुटि छोड़ा नहीं। और अन्य गफलत करते थे, उनसे अधिक लगाव उस गुरुदेव का शेख फरीद में था। लगाव का मतलब ये है कि जैसे 4-5 सेवक हैं और जैसे गुरुजी कहता बेटा जल लाना, एक तो कहता लाऊं हो गुरुजी, और गेर का कंधे बतोलिया नान चला जा, स्नान चला गया, लाऊं हो गुरुजी, नाटे भी नहीं करे भी नहीं, अरे कहते ही दौड़े आवे अकलो गुरुजी। तो अब गुरुजी उसी को कहेगा बार बार, एक उसको कैसे कहेगा, वो कहे नूर जावे इधर में। एक थोड़ा सा यहाँ एक चुटकुला सुनाते हैं। दो गुरु चेला थे, दो शाम के समय गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से कि बेटा देखना, सोने की तैयारी पकड़ गए, गुरुजी वृद्ध थे, लेट गए चारपाई पे, अब बेटा देखना बाहर वर्षा तो नहीं हो रही है। अब चेला इधर लेटा हुआ था, लेटा लेटा कहता गुरुजी हाँ वर्षा हो रही है। गुरुजी बोला रहे तू बाहर तक गया नहीं, तुझे क्या पता कि बिल्ली भीग का आई है, और बिल्ली की तो नाले में पड़ गई होता है पानी के में जल के में। फिर कहने लगा बेटा अरे ये दीपक बंद कर दे, बुझा दे दीपक। चेला बोला गुरुजी आंखें बंद कर लो, हो गया बंद। बोला अच्छा भाई। फिर गुरुजी ने कहा बेटा दरवाजा तो बंद कर दे। गुरुजी दो काम मैंने कर दिए, एक तू कर ले। तो एक तो इसे चले गुरुजी के, और एक ऐसा हो कहते ही भागे जावे, कहां जी बाहर गुरुजी कोई वर्षा नहीं है या है। दीपक बंद कर दिया, अच्छा गुरुजी अभी करता हूं। एक ऐसा शिष्य हो, और एक गुरु शिष्य थे
गुरु जी ने कहा एक दिन एक अपने शिष्य को जो ओविडेंट था, जिसको शिष्य कह सकते हैं, कि बेटा एक दरिया थी, दरिया के किनारे एक पेड़ था। उस शिष्य से कहा कि बेटा इस पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना दे मिट्टी का। मैं सुबह घूमने आता हूं, मेरा दिल करता है कुछ देर यहां बैठकर प्राकृतिक आनंद प्राप्त करूं। दरिया के किनारे आश्रम आधा किलोमीटर दूर था, वो वहां घूमने आता था। गुरुजी शिष्य भी साथ आता। गुरुजी जब वापस आश्रम में आ गए, गया कस्सी लेकर और चारों तरफ बहुत सुंदर मिट्टी का चबूतरा बना दिया, चार चार फुट चौड़ा वृक्ष के चारों तरफ, और लीप लाप के ऐसा बना दिया फिट। अब गुरुजी ने वह देखा कि वाह बेटा वाह, वहां घूम फिर के दरिया पर स्नान करके वहां बैठ गया, चेला बैठ गया, नीचे बैठा रहा, वाह भाई वाह। अब अगले दिन कहने लगा, बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको ढा दे, खत्म कर दे। अच्छा गुरुजी, अगले दिन उसको कति प्लेन कर दिया। अगले दिन फिर वो दोनों आए शेष गुरु, फिर गुरुजी ने कहा बेटा ये चबूतरा वैसा ही बना दे, मेरा दिल करता यहां बैठूं। चेले ने अगले दिन फिर वैसा ही बना दिया। तीसरे दिन फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं इसको वैसा ही कर दे। अच्छा गुरुजी, वैसा ही कर दिया। दो दिन छोड़कर फिर कहा बेटा मेरा दिल करता है जैसे मैं यहीं बैठूं, एक चबूतरा बना दे। अगले दिन फिर बना दिया। और फिर दो दिन पीछे गुरुजी ने फिर कह देखना इसने कर दे ठीक, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा कुछ नहीं दिल लगता है। तो एक और देखा करता वहां कोई पाली था, गवाला था, वो कहने लगा उस चेले ने, जब वो अगले दिन उसने ढाण आया, उसको प्लेन करना आया, कहने लगा रहा तेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस बुड्ढे का तो दिमाग खराब हो रहा है, एक दिन कहे बना दे, दूसरा दिन कहे ढा दे, है? और तू इसकी सारी बात मानता है। तो शिष्य बोला भाई इस मारे क्रियाक्रम तो तू परिचित को ना, या मेरी परीक्षा हो रही है भाई, और चबूतरे कुछ लेना देना को ना। तो कहने का भाव यह कि एक ऐसा शिष्य हो, तो वो ऐसे शिष्यों में तो था वो कौन शेख फरीद, और दूसरे वो थे दो काम मन कर दिए गुरुजी, एक तू कर ले के जमा टूट रहे हैं तेरे। अब ऐसे ही बच्चे को कहा जाए बेटा ऐसा कर ले ऐसा कर ले, तो उनको ईर्ष्या होगी कि शेख फरीद को ज्यादा प्यार करते हैं। अब प्यार के करे वो काम तो कराना ही है अपना। तो उन्होंने सोचा कि शेख फरीद की ऐसे वो करते हैं जिससे गुरुदेव के ये हृदय से उतर जा। उनको ये चिंता थी कि गुरु जी इस गद्दी का मालिक किसने बनाएंगे, भगवान पाने आ रहे हैं और फिर इसी कुबाड़ में उड़ जाए, वो किसा हंस किसा संत है, गद्दी की भूख जिसमें है। शेख फरीद में वो नहीं थी, वो फिर अपना कर्तव्य प्रयाण रहता था, अपने कर्तव्य को मुख्य समझता था, वो तो आया मालिक पाने के लिए था। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि गुरु जी के हृदय से इसको उतारें, कोई ऐसी गलती हो जिससे गुरु जी से नाराज हो जाए। अब वहां क्या कर रखा था, सबको सेवा देने के उद्देश्य से एक एक दिन बांट रखे थे, पांच छह जितने भी शिष्य थे वहां पर। एक दिन एक शिष्य की ड्यूटी लगती थी गुरु जी का, सुबह से लेकर शाम तक सारे काम वही करेंगे, जैसे भोजन बनाना, खिलाना, कपड़े धोना, और वो हुक्का पिया करता, हुक्का पिलाना उसको, उसकी सफाई सफुई कर, और काम अन्य कर देते थे। तो एक दिन शेख फरीद की ऐसे चल रही थी रूटीन, तो एक दिन उसकी सेवा आई और गुरु जी क्योंकि ये तपस्वी होते हैं सिद्ध, और तपस्वी में तामस ज्यादा होता, क्रोध बहुत होता है। वो गुरुजी क्या करता था कि रोटी खाकर, खाना खाकर हुक्का पीता था, शाम के समय भी और दोपहर को भी। शाम के समय एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय शेख फरीद का दिन था सेवा करने का, उन्होंने सोचा दिन में तो ये दबदब से बना लेगा हुक्के की आग। क्या करता था वो गुरु, यदि खाना खाने के पश्चात हुक्का 5-10 मिनट में आ गया, लिया तो लिया, चला नहीं तो डंडा उठा गए, उसके
कई मारता था और कई दिन उसको सेवा नहीं देता था, कई दिनों तक इतना कुपित हो जाता था। उक्के का इतना कसूरदार वो था एबी। अब इस बात का सबको पता था, तो अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि आज इसकी टर्न है और शाम के समय अग्नि को बुझा देंगे हम, जब यू खाना खिलाने जाएगा गुरुजी को। अब खाना बना के शेख फरीद जी क्या करते थे कि लकड़ी की कोले होते थे उनको तैयार कर जाते थे हुक्का भरने योग्य, आते ही हुक्का भर के गुरु जी को दे दूंगा खाना खिला के आके, दो मिनट में चार पांच मिनट में दे देता था। अब खाना खुना खिला के आराम, तो वो आया देखा पीछे से आग बुझ गई, आग थी नहीं उसमें, अग्नि नहीं थी, वर्षा के दिन थे। उसने सोचा भाई होगी होगी आग बुझ गई होगी, नहीं ध्यान गया। उसने सोचा एक किलोमीटर दूर है गांव, वहां धुआं उठ रहा था एक घर में, शाम का समय था। उसने सोचा आज तेरी आज तक की जितनी भी अब गुरुजी के प्रति आपकी गुडविल है वह खत्म होगी और तेरी भक्ति का नाश हो जाएगा। गुरुजी रुष्ट हो गए तो मेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये सोचकर कलम उठाकर उक्के की स्पीड ठोक दी, फुल स्पीड तक गया जिस घर में धुआं उठ रहा था। और वो माई क्या कर रही थी, वर्षा के दिन थे, चूल्हे में अग्नि बालने का जलाने की प्रयत्न कर रही थी। कभी धुमा हो जाए, कभी आंखों में धुमा हो, पानी पड़े, यानी गिल्ला सापन हो करके वो आग जला रही थी, कभी बुझ जाती थी कभी फिर जला रही थी, यानी उसने आग जला रखी थी ऐसे, वो दुखी हो रही थी। अब शेख फरीद कहा माई अग्नि देना, माई अग्नि देना। अव्वा हो रही थी गुस्से में कि अग्नि नोना वाला आंख फुड़वा ले, आंख फूटगी मेरी तो भी फुड़वा ले आंख, तब दूंगी अग्नि। अकले माई चिमटा ले रहा था आंख में गो के, रो आंख काट के दर दी। अकले माई अब तो दे दे मुझे अग्नि। अव्वा ही ने सोचा रे तेरा गुदू तुमने सचमुच आंख निकाल दी, वो डर गई, सारी चूल्हे की आग बाहर निकाल दी कि ले महाराज जी ले जा। उनको पता था कि ये जिस आश्रम से आया है वो महात्मा बहुत सिद्ध पुरुष है, उसने जो वचन निकाल दिया तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, वह डर गई। अब उसने कुछ नहीं कहा बेचारे ने, उसने क्या किया अपना कपड़ा सा बांध लिया एक आंख के ऊपर के जो निकाली थी और अग्नि रख के, और फिर स्पीड से भाग लिया। उधर गुरुजी ने देखा भाई दो मिनट होगी, चार होगी, पांच होगी, दस मिनट जब होगी आवाज लगाई रहा शेख फरीद उक्का भरला बेटा, आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद से फिर लगाई आवाज, तीसरी आवाज फिर लगाई रहा काकी तो मर गया तू, शेख फरीद कहां मर गया तू आज। तब उसने सुने गुरुजी तो भाई नाराज हो लिए, दूर से ही कहता आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। बोला के बात होगी थी गुरुदेव, अग्नि बुझ गई आज और गांव से दौड़ के लाया। आका अच्छा बेटा कोई बात नहीं रख दे, वो कवर कहो तो पीगस हो गया, और वो जाकर अपना एकांत में लेट गया। माई ने सोची जे अब जाऊंगी तब ना जाने महात्मा के कह देगा, सवेरे तक उनका गुस्सा कम हो लेगा। उसने सोचा था ये चेला जाकर बताओगा और वो लाल पीला होया पाओगा। वह माई सवेरे मटके के कापण पर ढक्कन पर वह आंख रख कर लेगी और कहने लगी महाराज जी मेरे पर गलती होगी, सारी कहानी बताई ऐसे ऐसे आपका शिष्य गया था और आग अग्नि मांगे था और मैं दुखी हो रही थी, महाराज जी मेरे से गलती से निकल गया, तू आंख फुड़वा ले, आपके चेले ने आंख निकाल के दे दी या रखी। तो उसने सोचा रे शेख फरीद गया था, वो बुलाया, बुलाओ भाई शेख फरीद। बाजाया कहां जी कि ये क्या कहानी है, क्या हो गया था बेटा। कुछ नहीं गुरुदेव, आपके होते क्या हो सकता आपके दास को, अरे ये माई क्या कह रही है। तब उसने कहा, माई कहने लगी सचमुच ये ऐसे आंख निकाले, ये पट्टी बांध रहा गुरुदेव। बोला रे सचमुच, उस गुरु कहने लगा खोल इस पट्टी को। पट्टी खोली तो आंख साबित पाई, पूरी आंख पाई उसकी शेख फरीद की, लेकिन थोड़ी छोटी थी। अपुण्यात्माओं
इस कहानी का, इस कथा का जो निष्कर्ष निकलेगा उस पे ध्यान देना। अब इतने सिद्ध पुरुष होकर भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं थे, मोक्ष की साधना नहीं थी। परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में, कि ऐसी ऐसी 24 सिद्धियां भी आपके पास आ जाएं तो अगर सत साधना नहीं है तो भी आपका जीवन व्यर्थ है। अब क्या हुआ, अब इस बात से और आसपास खूब महिमा होगी संत की, भाई ऐसा संत है, ऐसा संत, ऐसा हो गया। ठीक, कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु होगी संत की, उस महात्मा की। शेख फरीद तो भक्ति के लिए निकला था और वो तपस्या की मार्ग बताता था। अब जो गुरु था वो साधना बताता था कि तप करो, कष्ट दो शरीर को ज्यादा से ज्यादा, तब तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी, दर्शन होंगे, दीदार होंगे अल्लाह के। अब शेख फरीद वह आश्रम को छोड़ गया, क्योंकि वहां गद्दी के भूखे थे, उनको गद्दी नहीं चाहिए थी, वहां जाकर दूर साधना करने लग गया। अब उसने ये सोचा था कि गुरुजी ने पता बता रखा है, ज्यादा से ज्यादा तप करेगा, शरीर को कष्ट देगा भगवान, तब तुम्हें दर्शन देगा। 12 वर्ष में उसने 50 किलो अन्न खाया, 12 वर्ष में 50 किलो अन्न। जीव देख लो पुण्यात्माओं, एक दिन का कै ग्राम पड़ेगा उसने, एक दिन में 360 वर्ष, और 12 वर्ष में देख लो कितना होगा। अपुन आत्माओं, ऐसा अल्पाहार करने से उसका शरीर कमजोर घना हो गया, और बाहर बैठे तो कौवे आ जा उसको मृत समझकर उसकी आंखों को खाने के लिए। और कौओं से वो कहता, शेख फरीद जब कौवे आकर बैठ के माथे पे, हाथ पर अल्लाह नहीं बढ़िया, बाहर लेटा हुआ, कभी कुएं में 12 वर्ष लटक्या करता, वो 12 वर्ष कुएं में लटक्या उल्टा, ऊपर वर्ष की डाले का रस्सा बांध के, पैरों का बांध के नीचे लटकन लाया गया, 12 वर्ष तक कुएं में लटका हो। कभी कभी बाहर आ जाता था, थोड़ा बहुत घूम फिर लेता, फिर लटक जाता था। बाहर लेटा हुआ था, कौवे आ गए, कौवे ने सोचा ये व्यक्ति मरा हुआ है, शरीर पर कहीं मांस नहीं, कति